मेरे पाकिस्तानी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, महंगाई है, नाइंसाफी है, लूट मार है और हर किस्म की बुराई ने जन्म दे रखा है, दर हकीकत ये सब कुछ हमारे बैरूनी दुश्मनों की साजिश है पाकिस्तान को मिटाने के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान कंगाल होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया है। दर हकीकत ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कड़ी है कि जब उन्होंने हिंदुस्तान में तजारत के लिए आए थे और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया देकर यहाँ अपना वक्त बनाकर कब्जा जमाने के लिए जो साजिशी और ब्लैक मेलिंग का तरीक़ाकार अपनाया था, ये उसी की एक दर हकीकत करी है। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे बैरूनी दुश्मनों ने उसी तरह हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार लोगों को खरीद लिया, उनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं डॉलर और पाउंड दिए और अपने आय कार के तौर पर इस्तेमाल किया और गद्दार बनाया। ये गद्दार लोग बिक चुके हैं और ये पाकिस्तान को मिटा अपने ज़ाती मफाद के लिए लालच में आकर, दौलत की लालच में आकर, औरों की लालच में आकर पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयार हो गए हैं और इनकी गद्दारी की ये हालत है कि इनको न दीन की ज़रूरत है, न रिश्ते की ज़रूरत है, न माँ बहन की ज़रूरत है। ये बेहद लोग हैं और पूरी कौम के दुश्मन हैं। इन गद्दारों को हमारे बहनों दुश्मन ने बहुत सी दौलत की लाली दी, बड़े बड़े उद्योगों तक पहुँचाने की लाली दी और उनसे ये अहद लिया कि आप ने हमारे लिए काम करना है, आपने हमें बेशक गाली देनी है, आपने हमें बुरा बुरा कहना है, आपने हमारे खिलाफ जोशीला तकरीरें करनी हैं, सब कुछ करना है। ये एक आपको हम ऐसा हथियार दे रहे हैं कि आपके यहाँ वतन आप पर इतमाद करेंगे और जान फंस जाएंगे और फिर आप लोगों ने उनके हाथ में बांधने हैं। जब हम इस मुल्क को गुलाम बना लेंगे तो आप तो हमारे गुलाम होंगे और यहाँ के बाशिंदे भी हमारे गुलाम होंगे, लेकिन आप इन गुलामों का हुक्मरान होंगे, हमारी तरफ से हुक्मरान होंगे, हम आपकी चीज पर हर किस्म का हाथ रखेंगे। यही वजह है कि इन्होंने दौलत से बड़े बड़े लोगों वसैल दिए, इन्हें बड़े बड़े उहदों पर बचाया और अब पाकिस्तान में भी बड़े बड़े उहदों पर छाए बैठे हैं। अदलिया, मुकन्ना, इंतजामिया, तजारती, मीडिया, जो कुछ जितने भी बड़े बड़े शोबे हैं, हर शोबे में उनके बिके हुए लोग बैठे हैं जो गद्दार हैं और गद्दारी से पाकिस्तानियों के हाथ पांव बांधने के लिए बैठे हुए हैं। यही वजह है कि इन हमारे बैरून दुश्मनों के ये जो एजेंट हैं, हमारे वतन के ही लोग हैं और हमारे खिलाफ गद्दार हैं, यही लोग हैं हमें बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ यही लोग बिगाड़ रहे हैं। मसलन एक कमिश्नर है, अगर वो गद्दार है उसका जब वो हैड जो है वो जब गद्दार होगा तो सावधान है, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर दफातर हैं, सब रिश्वत होगी, बुराई होगी और लोग तकालीम में होंगे। महकमा पुलिस है और अदलिया है, अदलिया का एक जायदादार बिका हुआ है, वो मुल्क का दुश्मन है, बलाए तो वो बड़ा मुल्क का वफादार होगा लेकिन वो मुल्क को इतफा करने के कर देगा। मेरे भाइयों, यही वजह है कि ये लोग बड़े विरोधों पर गद्दार लोग हैं, छा गए हैं और वो पॉलिसियाँ बनाते हैं जो मुल्क दुश्मन है। मसलन पुलिस का मकदमा एक ऐसा मकदमा है कि ये हर पूरी दुनिया में लोगों की जान माल की हिफाजत अमन अमान के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पुलिस है। मैं बता दूँ कि पुलिस क्या ये मकसद से हासिल करने के लिए कि यहाँ अमन अमान हो, लोगों की जान माल माहूर हो, ये मकसद हासिल करने के लिए अगर पुलिस हो उसका पैमाना ये है कि वहाँ एक ऐसा जो है
ऐसे लोगों की तादाद के दौरान जितने जराइम थोड़ा हों उसको उतनी ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए, और जिसके तैनाती के दौरान जराइम ज़्यादा हों उसकी सरदनश होनी चाहिए और उसकी सजा होनी चाहिए। साफ़ जराइम नहीं होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसी साहब ने क्या पॉलिसी बनाई है कि जिस थाने में किसी एसआईओ की तैनाती के दौरान जितने ज़्यादा जराइम होते हैं उसको उतना हुस्न कारकर्दगी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और बेहतरीन ख्याल किया जाता है, और जिसके जिस ऐसा जो कि तैनाती के दौरान कम जराम रिकार्ड होते हैं उसको नया कहा जाता है। तो फिर अब मेरे पाकिस्तानियों ये बताओ कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के वफादार लोगों के हुबल वतन लोगों की है या पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान के दुश्मनों की है। मैं हैरान हूँ कि अदालतों में ये केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुमो टू नोट ये लेते तो हैं लेकिन यहाँ तो नहीं लेते, क्या यहाँ अंधे हैं ये लोग। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आप लोग जो है रिश्वत इतनी ज़ालमाना हो रही है कि कसाई लोग जो होते हैं वो किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो पहले उसको उसकी गर्दन जुदा कर देते हैं, जब वो मर जाता है तो चमड़ा उतारते हैं, लेकिन दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और उसके अधिकारों की ये हालत है कि वो इस तरह चमड़ा उतारते हैं कि जिंदा लोगों का चमड़ा उतारते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि अब ये मैं मेरे पास टाइम इतना ही है, इंशाल्लाह फिर अगली बार में मैं इसकी तफसील ज़्यादा तफसील आपको बताऊँगा।